गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों के मेरे यूट्यूब चैनल माई स्मार्ट क्लासेस में। क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान भूगोल के सेकेंड लेसन का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? जीवन निर्वाह कृषि, विस्तृत कृषि, बागानी, व्यापारिक। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन निर्वाह कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? गन्ना को, कपास को, जूट को या चाय को? तो ऑप्शन नंबर जो बी है राइट हो जाएगा, कपास को उजला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल को सुनहरा देश का रेशा कहा जाता है? जूट को, तंबाकू को, कपास को, रबर को? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूट को कहा जाता है सुनहरा रेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सी रबी की फसल है? चावल, कपास, मोटे अनाज, चना? तो हम जानते हैं कि रबी की फसल क्या हो जाती है, ठंडे के दिनों में बोई जाती है। हम जानते हैं कि चना कब बोया जाता है, तो ठंडे के दिनों में बोया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और राइट हो जाएगा, चना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? यानी जो फसल बरसातों में की जाती है उसे क्या कहा जाता है? रबी कहा जाता है, खरीफ कहा जाता है, जायद कहा जाता है, अगहन कहा जाता है? दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो फसल बरसातों के दिनों में की जाती है उसे हम लोग खरीफ फसल बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, खरीफ फसल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रबी की फसल पैदा होती है कब? जाड़े में, वर्षा में, गर्मी में, सभी मौसम में? हम लोग जानते हैं कि रबी की फसल की कब की जाती है, तो ठंडे के दिनों में किया जाता है, यानी दिसंबर से जनवरी के आसपास में ये खेती की जाती है। उस समय क्या होती है, ठंडी पड़ती है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा, जाड़े में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? रोपण है, निर्वाहन है, दुग्ध है या रबी है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा, रोपण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? धान, गेहूं, मूंगफली, कपास? खरीफ की फसल क्या होता है, खरीफ की फसल को बरसातों के दिनों में की जाती है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि गेहूं की खेती कब की जाती है, तो ठंडे के दिनों में की जाती है, दिसंबर जनवरी के आसपास में किया जाता है गेहूं की खेती, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हम लोग का राइट हो जाएगा, गेहूं। अब निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है? गेहूं, चना, मकई, सरसों? हम लोग जानते हैं कि रबी फसल कब उगाई जाती है, तो ठंडे के दिनों में। ठंडे दिनों में क्या होता है, यानी दिसंबर से जनवरी के आसपास हम लोग रबी फसल कि बीज बोए जाते हैं, बोए जाते हैं, यानी गेहूं दिसंबर में खेती की जाती है, चना, सरसों, तो बच क्या रहा है, मक्का। तो मक्का हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा रोपण कृषि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रोपण कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? चाय के उत्पादन के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो विश्व में भारत के कौन सा स्थान आता है? प्रथम स्थान आता है, दूसरा स्थान आता है, तीसरा, तृतीय आता है, चौथा आता है? तो हम लोग जानते हैं कि चाय के उत्पादन के मामले में अगर देखा जाएगा तो विश्व में भारत का स्थान दूसरा आता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है? अपन अगर संसार की बात करें तो संसार
में चावल के उत्पादन के मामले में अगर देखा जाए तो भारत के कौन सी स्थान आती है? तो ऑप्शन ए में दिया है पहला, बी में दिया है दूसरा, सी में दिया है तीसरा, डी में दिया है चौथा। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो भारत के स्थान दूसरा ही आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? अपने चाय खेती सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में होता है, या असम में होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है, तमिलनाडु में होता है? जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा असम, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि असम में चाय की खेती बहुत ही सर्वाधिक मात्रा में की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की खेती मुख्य रूप से होती है, कौन सी मिट्टी पर चावल की खेती मुख्य रूप से की जाती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लाल मिट्टी। तो हम लोग जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी होता है सबसे उर्वरक उर्वरक वाला मिट्टी होता है, तो चावल की खेती कहाँ की जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पर की जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पकते समय गेहूं की फसल के लिए आशा तापमान की है? जब पकते वक्त जो जो गेहूं पकता है उस समय की टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, या 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, या 15 से 25 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, या 21 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए? तो मैं जानते हैं कि जब गेहूं पकता है तो उस समय हल्का फुल्का गर्मी पड़ती है, तो उस समय टेम्परेचर क्या होता है? 21 से 26 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए गेहूं के पकते वक्त। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। जूट किस जलवायु का पौधा है? आपको जूट जो है किस जलवायु का पौधा है? शीत जलवायु, शीत और अर्ध जलवायु, उष्ण और अर्ध जलवायु, उष्ण और जलवायु। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा, उष्ण और अर्ध जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? जो धान की खेती के लिए जो वर्षा की मात्रा होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? 100 से 110 सेंटीमीटर, 50 से 100 सेंटीमीटर, 100 से 150 सेंटीमीटर, और 100 से 200 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि धान की खेती में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा की मात्रा होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादक सर्वाधिक कितना है? 2100 किलोग्राम, 2800 किलोग्राम, 3500 किलोग्राम, 4800 किलोग्राम। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2800 किलोग्राम। कॉफी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? आपको जो कॉफी की जो पौधा होता है उसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है? 2 से 4 मीटर, 3 से 6 मीटर, 6 से 8 मीटर, 8 से 10 मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 से 6 मीटर। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? अर्ध कृषि, शुष्क कृषि, निवेश कृषि, वर्षाधीन कृषि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुष्क कृषि। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, भूरी मिट्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? गोरखपुर मथुरा को, भटनी देवरिया को, गोरखपुर देवगढ़ को, गोरखपुर देवरिया को। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर देवरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर, रेशम कल्चर, पीसी कल्चर, तिसी कल्चर। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? केरल को, कर्नाटक को, उड़ीसा को, असम को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, केरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार है? गन्ना का, तंबाकू का, कहवा का, गेहूं का? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, कहवा का यानी कॉफी का। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़? तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है राइट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पूर्णिया, बक्सर, समस्तीपुर, बाढ़? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समस्तीपुर। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ा? जब हरित क्रांति हुई तो इसका प्रभाव सबसे ज्यादा किस पे पड़ा है? धान पे, तेलहन पे, गेहूं पे, ज्वार पे? इसका हरित जब क्रांति हुई तो सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं पे पड़ा था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा, गेहूं। पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरीय कृषि को किस नाम से जाना जाता है? हमें पूर्वोत्तर राज्य में जो स्थानांतरीय कृषि की जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? स्थानीय कृषि होता क्या है? इसका मतलब ये होता है कभी इस जगह पे कृषि किया गया तो कभी दूसरी जगह पे कृषि किया जाए, ऐसे कृषि को क्या बोलते हैं? स्थानांतरीय कृषि बोलते हैं। उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे झूम खेती यानी झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? पंजाब में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? उड़ीसा में, गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में? इसका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? बाजरा उत्पादन के क्षेत्र में देखा जाए तो कौन सा राज्य पहले स्थान पे आता है? बिहार, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़? इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा, गुजरात आता है प्रथम स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मूंगफली के उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन है? बिहार है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा, गुजरात है। गुजरात में अधिक मात्रा में मूंगफली उत्पादक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हरियाणा? इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? केरल में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? झारखंड है, महाराष्ट्र है, असम है, पश्चिम बंगाल है? तो हम जानते हैं कि चाय की जो खेती होती है असम में अधिक मात्रा में की जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहवा का सबसे अधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? कहवा मतलब क्या होता है? कॉफी होता है। क्या होता है? कॉफी। तो कॉफी का सबसे अधिक खेती कहाँ पे की जाती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो असम में, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में? इसका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा, कर्नाटक में। कर्नाटक में अधिक मात्रा में कहवा की कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? पंजाब को किस फसल का सबसे अधिक मात्रा में उत्पादक किया जाता है? बाजरी के, धान के, चाय के, गेहूं के? तो
तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। पंजाब में चूंकि गेहूं की खेती सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है, तो नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादक में अग्रणीय है? आंध्र प्रदेश जो है वहाँ पे किस फसल को सबसे अधिक मात्रा में उगाया जाता है? तिल को, तंबाकू को, सरसों को, नारियल को? तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में तंबाकू खेती बहुत जोर शोर से की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। करे गन्ना अनुसंधान शिला किस शहर में है? अभी जो गन्ना अनुसंधान जो होता है, ये क्या होता है? ये होता है कि ये एक संस्था है, एक प्रकार की संस्था है। ये क्या होता है, गन्ना खेती करने के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए और कौन सी उर्वरक शक्ति चाहिए, इसको क्या करता है ये जो संस्था है अनुसंधान, ये पता करता है और बतलाता है। ये कह रहा है ये संस्था वो कहाँ है, किस जगह पे है? सलेम में है, हसन में है, कोयंबटूर में है या कन्याकुमारी में है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगर प्लीज हमारे अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। ओके बाय।